के साथ पारसनाथ पहाड़ी आजकल सुर्खियों में है। जहां पहले जैन समाज ने अपने तीर्थ स्थल की पवित्रता को लेकर देश भर में आंदोलन किया, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज ने पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु करार दिया है और उस पर अपना दावा जताया है। हालांकि जैन समाज के आंदोलन के बाद सरकार ने पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का आदेश वापस ले लिया है, लेकिन यह मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा। सियासी दल अब पारसनाथ को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पारसनाथ पर किसका अधिकार, जैन समाज की पूरी हुई मांग, तो अब आदिवासियों ने उठाई आवाज। पारसनाथ का इतिहास पुराना है और दो दो समाजों की भावनाएं इसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई हैं। जैन समाज के साथ ही अब आदिवासी समाज भी पारसनाथ को लेकर आवेश में है। उस पर से इस मामले को लेकर हो रही सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। झारखंड के सत्तारूढ़ महागठबंधन, जहां भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष के मुताबिक विपक्ष इसे लेकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही है। जो कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी ये स्पष्ट मैसेज हमारे तरफ से कि अनावश्यक जो प्रेम भाव इतने सालों से चला आ रहा है, बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का प्रयास करके गलत कर रहे हैं आप लोग, नहीं होना चाहिए। वहीं झारखंड सरकार भी लोगों को आश्वस्त कर रही है कि किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होने दी जाएगी। कहीं से भी कोई विवाद नहीं था, ये विवाद पूरी तरह से एक कहा जाए तो एक सुनियोजित ढंग से विवाद को बढ़ाया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरे हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और जो जैन धर्मावलंबी हैं, सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बेवजह के विवाद में ना पड़े। तो ये जो है, इसमें देखना होगा कि कहाँ क्या है, लेकिन हमको टकराव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को मानना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मैं ये कहूँगा भी। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है कि जैन समाज के लोग और हमारा जनजातीय समाज के लोग बैठकर आपस में किसी दूसरे को अवसर ही ना दें जो उसमें जाकर के और इस तरह का राजनीतिक खेल खेले। पारसनाथ का विवाद तब से चला आ रहा है जब से इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैन धर्मावलंबियों ने इसका विरोध किया और अपने धार्मिक स्थल की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए इसे पर्यटन स्थल के बजाय धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग रखी, जो पूरी भी हो गई। लेकिन इसके साथ ही आदिवासी मूलवासी भी विरोध में खड़े हो गए। संथाल जनजाति को लग रहा है कि सिर्फ जैन समाज को तवज्जो देकर सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। कामरान, जी मीडिया, रांची। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।